अभी सरकार के खासकर इस निर्णय से कि मगही, भोजपुरी और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा के रूप में उसके द्वारा जो एसएससी या जेपीएससी में एग्जाम लिया जाएगा, इसको लेकर प्रदेश में खासकर उत्तरी छोटानागपुर में काफी आक्रोश है। उस क्षेत्र में या पूरे प्रदेश में कहें तो इन भाषाओं का उद्गम स्थल झारखंड नहीं है, और जहां उद्गम स्थल है वहां भी इनकी मान्यता उस रूप में नहीं। और हम कहें कि अगर बंगाल में या असम में या उड़ीसा में या छत्तीसगढ़ में, जहां झारखंड के उद्गम वाले भाषाएं नौ भाषा क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा, इनका भी वहां मान्यता नहीं है, जबकि वहां भी भूलने वालों की संख्या कम नहीं। इस स्थिति में खासकर शिक्षा विभाग के द्वारा, जहां के मंत्री जगन्नाथ जी हैं, एक तरफ मंत्री और उनके बहुत सारे साथी का ये बयान आता है या इन मुद्दों को लेकर के पार्टी में चर्चा पार्टी की बात को कहते हैं, हम तो कहेंगे कि अपने ही मुद्दों पर जो उन लोगों ने पहले बोला, मुख्यमंत्री का एक बार बयान आया था कि आंदोलन के दरमियान उन्होंने जो अनुभव किया है उस अनुभव को टीवी में शेयर किए थे। आज सरकार में रहते हुए जो मंत्री शिक्षा मंत्री है उनके विभाग से अगर इनके इन भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा का अगर ये होता है तो स्वाभाविक रूप से यहाँ आक्रोश उभरेगा। खासकर इन मुद्दों को लेकर 25 जनवरी को बोकारो, धनबाद और गिरिडीह इन तीन जिलों में मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने का कार्यक्रम आयोजित किया है, और 26 जनवरी को विनोद बाबू के समाधि स्थल से हस्ताक्षर अभियान शुरुआत करने का निर्णय लिया है। हमारे बोकारो, गिरिडीह और धनबाद जिला के पदाधिकारियों ने वहां कार्यक्रम कर रहे हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करनी चाहिए कि जो क्षेत्र जो बिहार में उसको उस तरह की मान्यता नहीं है, जब झारखंडी भाषाओं को बंगाल में मान्यता नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, तो जहाँ जिस भाषा का उद्गम स्थल है वहाँ मान्यता हो, यहाँ से क्षेत्रीय भाषा के रूप में जो मान्यता दिए हैं उसको प्राप्त किया जाए। दूसरा बात, अभी हम देख रहे हैं कि प्रशासन के सहयोग से झारखंड के संपदाओं का भारी लूट हो रहा है। हमारे सांसद अवैध कोयला लदे हुए ट्रक को पकड़ते हैं, उनको धमकी दी जाती है, प्रशासन को अवगत कराते हैं, प्रशासन आती नहीं है। इससे अस्पष्ट है कि प्रशासन के संरक्षण में झारखंड के संसाधन का लूट होना, जो आशु पार्टी कतई नहीं होने देगी। जहां भी लूट होगा, जो राजस्व सरकार के खजाने में आना चाहिए अगर वो राजस्व कोई लूट के ले जाएगा, ये आशु पार्टी कतई होने नहीं देगा।
ये तो एक जगह शुरुआत की है, पूरे प्रदेश में ऐसा अभियान चले। इसके साथ ही साथ कुछ लोग इस इन इन मुद्दों को लेकर या स्थानीय नीति जो एक कागजी नीति है बनाई गई है, सर्टिफिकेट के आधार पर स्थानीय घोषित करना, ये यहाँ जो मैट्रिक का पास मैट्रिक पास किया है वो स्थानीय कहलाएगा, ये अस्पष्ट रूप से दिखाता है। और पेपर में डेली हम देख रहे हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, नियुक्ति के लिए रिक्तियां खोजी जा रही है। ये अपने जुबान से जो बोले हैं लोगों को, ये खुद धोखा दे रहे हैं लोगों को। और एक तरह से कहें तो जिसको आधार बना करके नियुक्ति करने की प्रक्रिया कर रहे हैं, इससे झारखंडी झारखंड आंदोलन या झारखंडी भावना या झारखंड आंदोलन की मूल जो थे वो कतई पूरा नहीं होगा, बल्कि उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। और यदि आप लोग को और कुछ कहना है तो आशु को झारखंडी भावना तभी याद आ रही है जब वो विपक्ष में, या फिर यूं कहे कि अमित महतो ने जब आईना दिखाया आशु को, तब आशु को याद आ रहा है झारखंडी भावना। नहीं तो आशु को तो 1985 भाता था। उनके पार्टी के पदाधिकारी ही बता रहे हैं कि भाई जो उनका कमिटमेंट है वो ये पूरा नहीं कर पा रहे या नहीं हो रहा है, अल्टीमेटम पार्टी के अंदर हो रहा है। इससे ही स्पष्ट हो रहा है कि पार्टी क्या कह रही है और जनता क्या चाहती है। उसको देख करके हम नहीं कह रहे, हमने तो सत्ता में रहते हुए भी इन विषयों को रखा, सत्ता से बाहर है तब भी इन विषयों को रखा। नहीं, मेरा सवाल ये था देवसरंदा कि आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी ने बताया कि जैसे ही झारखंडी भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा हम पद त्याग देंगे, और आशु के साथ क्या है, आप सरकार में भी रहते हैं, आवाज भी उठाते रहते हैं पर साथ नहीं छोड़ते, मतलब आपको दोनों चीज अच्छा लगता है, जब मीठा आता है तो गप गप खाते हैं, कड़वा आता है तो थू थू करने लगते हैं, ये आरोप तो लग सकता है ना आशु पर। वो जो कर रहे हैं वो भी एक बहुत बढ़िया नाटक है, नाटक का कमी नहीं है, नाटकबाज से कमी नहीं है। किनके बारे में कहना चाह रहे हैं आप? वो जिनके बारे में कहे अमित, वो भी नाटक है, ड्रामा है। एक तरफ आप कुछ कह रहे हैं तो अगर कह रहे थे दे देते, उन्होंने तो साफ कह दिया कि 22 फरवरी तक उन्होंने समय दिया, वक्त दिया है पार्टी को, वक्त दिया कि एक महीने में अगर सुधर गया कार्य प्रणाली तो ठीक है, वरना हम इस्तीफा देंगे, मेरी राह अलग होगी। सरकार के मुखिया ने स्पष्ट रूप से पहले ही कहा था ना कि जैसे हम सरकार में आएंगे 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाएंगे, वो जुबान से मुकर के सर्टिफिकेट के आधार पर बनाने लगे, तब क्या करें आप। दूसरा, स्थानीय नीति के बाद इन भाषाओं की बात थी, ये भाषा के विरोध में उन्होंने अपना अपना ही बोले थे कि छाती में मेरा ऐसा हुआ था, क्योंकि अपना कुछ बड़ा बड़ा बयान दिए थे और वही इस भाषा को ही किए, तो भाई वो अपने ही बोल रहे हैं और उनके पार्टी के अंदर तो उतना दिन क्या कर रहे थे, ये कह रहे हम ड्रामा। किन किन भाषाओं पर आपत्ति है एकदम स्पेसिफिक गिना दीजिएगा, क्यों? क्योंकि उर्दू भी है, बंगला भी है, उड़िया भी है, भोजपुरी, मगही, अंगिका, ये सारे भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा के साथ माना गया है जिला बार वाइज, आपको किन किन भाषाओं से? देश में 3 भाषाएं हैं, इंटरनेशनल भाषा है जो अंग्रेजी पूरे दुनिया में बोलता है लोग, राष्ट्रीय भाषाएं हैं जिसमें हिंदी है और भी जो राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता प्राप्त है जो बहुसंख्यक लोग बोलते हैं, और एक क्षेत्रीय भाषा जो मातृभाषा कहेंगे जिसको माँ दूध पिलाते समय बोलती है और हर बच्चे सीखते हैं। हमने कहा कि जो झारखंड के उद्गम से हुआ, माने यहाँ से उद्गम हुआ है, उसको मान्यता मिलनी चाहिए, बाकी को
मैंने जो खतियानी राइट है उसको ही स्थान नहीं मिलेगा, तो पहले तो इनका न्याय हो ये कहना। और अभी क्योंकि हेमंत जी मुख्यमंत्री हैं, झारखंड आंदोलन से उपजे हुए परिवार से आते हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि कम से कम इन भाषाओं के संवर्धन उनके विकास काम करें। अब एक सवाल है, आप कह रहे हैं कि सरकार शासन तंत्र सब मिलकर लूट रहा है, खासकर माइनर मिनरल्स या मेजर मिनरल्स। आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं चंद्रप्रकाश चौधरी जी, सांसद हैं, क्या एक सांसद को शोभा देता है कि चलती गाड़ी को ट्रक को रुकवा के जांच करने लगे स्वयं? सवाल उठ रहे हैं विपक्ष के द्वारा, कई लोग कह रहे हैं कौन सा पावर उनको संविधान ने दिया है कि किसी का कागज पत्र मांग के चेक करने लगते हैं। वो मनसा गलत बता रहे थे कि आपकी मनसा गलत थी इसलिए आपके पार्टी के सांसद ने ऐसा किया। सांसद है, कोयला केंद्र के अधीन आता है, हर संवेदनशील नागरिक जो इस देश और इस राज्य के प्रति संवेदनशील है उनका एक फर्ज बनता है कि गलत हो रहा है तो आगे आना चाहिए, और वो एक सांसद के हस्तक्षेप से आगे आए तो कौन गलत किया। डीएमओ का बयान आया कि जो कोल डिपो था उसके पास सारे लाइसेंस है, सारे एनओसी हैं, और जो कोयला 5 ही ट्रक पकड़ाया। आपका पार्टी ने शुरू में कहा कि बहुत सारा ट्रक था, भाग गया, पुलिस नहीं आई टाइम पे, लेकिन वो कह रहे हमारे पास तो 5 था और उनका कागज पत्र जांच होगा, अगर सही होगा तो सही होगा, कंप्लेन कर सकते थे। अभी देख लीजिए, अभी देख लीजिए, क्योंकि हमने तो स्पष्ट कहा कि ये प्रशासन के संरक्षण में लूट हो रहा है, तो कागज तो भाई उधर से ठीक है मिल जाएगा। जब अभी पूरे अभी तो झांकी है ना, देखिए बाकी है, मतलब आंसू पार्टी हर जगह रोकेगी निश्चित तौर पर। पहले कहा झारखंड का जहां जहां भी लूट होगा, झारखंड के खनिज संपदाओं का, वन संपदाओं का, आंसू पार्टी के कार्यकर्ता और नेता निश्चित तौर पर रोकेंगे। सरकारी खजाना सरकार के खजाने में जाना चाहिए, ना कि किसी का निजी पॉकेट में जाए। आप एक बार फिर से ये बताइए, भोजपुरी, अंगिका, मगही इन भाषाओं को लेकर पार्टी कह रही है कि उत्तरी छोटा नागपुर इलाके में आक्रोश, क्योंकि ये उद्गम स्थल नहीं। तो पहली बात कि झारखंड तो खुद जो है वो अपने आप में बिहार से अलग होकर आया। दूसरी बात, क्या पार्टी मानती है कि उड़िया, उर्दू, बांग्ला इसका उद्गम स्थल है झारखंड, और यहाँ इन भाषाओं को SSC और परीक्षाओं में शामिल किया जाना चाहिए क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं में? हमने पहले कहा 3 तरह से पूरे देश में भाषाओं का मान्यता है, एक इंटरनेशनल जो और राष्ट्रीय स्तर पे और क्षेत्रीय स्तर पे। हमारा स्पष्ट है नौकरी, क्योंकि लोग यही शुरू में आंदोलन के दरमियान कहते हैं कि हम झाड़ू देने लायक भी नहीं हैं, हम घर में पोछा ड्राइवरी के लायक भी नहीं हैं। इन सारी परीक्षाओं में भी अगर क्षेत्रीय यहाँ का जो भाषा है उसको अगर प्राथमिकता नहीं देंगे तो किन का होगा? नहीं, सवाल को आप घुमा दे रहे हैं। सवाल ये है कि क्या उड़िया, बंगला, उर्दू को आप यहाँ का उपभाषा मानते हैं कि नहीं मानते? उड़िया उड़ीसा में, बंगला बंगाल में, उर्दू तो पूरे देश में बोलता है लोग। इन भाषाओं को आप उस स्टेट का भाषा कह सकते हैं, बंगाल का, उड़ीसा का, इस भाषा सीमावर्ती इलाके में उड़िया बोलते हैं, उसको यहाँ का क्षेत्रीय भाषा बोलना ठीक नहीं। ठीक है, मतलब बोकारो में जो आंदोलन हो रहा है, धनबाद में आंदोलन हो रहा है भाषाओं को हटाने के लिए, आसूस का पूरा जोर समर्थन करती है। निश्चित, धन्यवाद।